बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्ड 14 और वार्ड 6 की समस्त जनता, महिलाएं, माताएं सभी पानी से परेशान हो गए, त्रस्त होके आज यहाँ आई हैं। जयीन साहब को ज्ञापन दिया है। मैं तो प्रशासन से और जलदाय विभाग से ये कहना चाहता हूँ कि ये गर्मी सर्दियों में कोई किसी को परेशान नहीं करता। पानी किसी का आता है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। गर्मी में इनका काम है जनता की व्यवस्था करना। ये व्यवस्था नहीं करेंगे तो ये खुद दुख पाएंगे। जनता जनार्दन का पहला सुख होता है पानी का। बिना पानी के कुछ काम नहीं होता। और ये पानी के लिए अगर लेडीजें, माता बहनें परेशान होगी तो ये बहुत ही दुखद काम है, बहुत ही बेकार काम है। मैं तो प्रशासन से, विधायक जी से निवेदन करना चाहूँगा, जितना जल्दी हो उतनी जल्दी जल्दी माताओं बहनों को सोच के इनका समस्या का समाधान कीजिए। पानी के लिए जनता त्रस्त है, बहुत ज़्यादा परेशान हुई पड़ी है। मैं तो यही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 6 के लोग आए हैं, मेरे साथ पार्षद है 6 नंबर से। दोनों वार्ड बिल्कुल टंकियों के नज़दीक है। वार्ड 14 तो बिल्कुल टंकी के सामने है। अब से 4 साल पहले जब यहाँ पे रामेश जी का राज था तो बिना मोटर के भी दूसरी तीसरी मंजिल तक पानी उस समय चढ़ रहा था। इन सब लोगों का कहना है कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब कह रहे हैं, लेकिन अब पिछले 2-3 सालों में इन लोगों ने लापरवाही करी है, समय पर बोरिंग नहीं करवाए, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। इनके घरों में पीने तक के लिए पानी नहीं है और स्थानीय विधायक अपनी वाई वाई लूटने में लगे हुए हैं। मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। कब से ये समस्या चल? ये समस्या इस वर्ष तो जब से गर्मियाँ शुरू हुई है तभी से शुरू हो गई थी। शुक्र है कि अब की बार गर्मियाँ थोड़ा लेट पड़ी, मौसम ठीक रहा, इस वजह से कुछ दिन थोड़ा ठीक पानी आया, 15-20 मिनट आधा घंटे, इसमें लोगों ने अपनी खाना पूर्ति की पानी से पूर्तियाँ करी है। अब इस समय इतने बुरा हाल है कि पीने का पानी की गुणवत्ता पूरी नहीं हो पा रही। जयन साहब को अभी आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन मिला है? जयन साहब ने, पहले भी हम SDM साहब से मिले थे, अयन साहब को बार बार शिकायतें हमने करी है, जयन साहब सिर्फ आश्वासन कर रहे हैं। दूसरा, स्थानीय विधायक और यहाँ के पार्षद है जो कांग्रेस के, और कांग्रेस के राज में प्रशासन काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जहाँ पार्षद है उन वार्डों में बहुत कम पानी दिया जा रहा है, बल्कि इनको हर क्षेत्र के हर लोगों को पानी उपलब्ध कराना चाहिए।